कोयला कारोबारी की हत्या मामले में आया नया मोड़। साथी को पिस्टल रखने देने के दौरान हुई फायरिंग में कारोबारी करीबी की मौत। आरोपी ने पुलिस को किया सरेंडर, पिस्टल को किया जब्त। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र कोयला कारोबारी प्रतीक उर्फ पप्पू मंडल के करीबी बबलू उर्फ सहवाज सिद्दीकी को रविवार देर रात गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई। बैंक मोड़ थाने में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद विन्हा के ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बबलू उर्फ सहवाज सिद्दीकी की मौत उसके साथी अनिल यादव द्वारा पिस्टल रखने के दौरान हुई है। फायरिंग के कारण हो गया था। रात में चाय मुर्गा पार्टी कर गाड़ी से आ रहे थे। इसी दौरान पिस्टल को कवर में रखने बबलू ने अनिल को दिया, लेकिन गोली चल गई जो बबलू के पीछे में लगी। सेंट्रल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद अनिल यादव हथियार के साथ पुलिस को आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पिस्टल को जब्त कर ली है। वहीं पुलिस रंगदारी अवैध कोयला के लेन देन की बातों से इनकार कर दी। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं में जांच करने की बात कह रही है। तो कौन कौन थे आप लोग पार्टी में? कौन कौन थे और कौन, कितना आदमी? दो आदमी। गाड़ी किसका था? गाड़ी हमको नहीं पता कौन सा था। तो गोली कैसे चला? वो हमको दिए, बोला कि वो जो पीछे कवर होता है उसमें डाले ना, उसी समय फायर हो गया। तो गोली जो चला तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में पिस्टल रखा होती? कैसा पिस्टल आप लोग अपने से खरीदे, कहाँ से खरीदे थे? हमारा पिस्टल नहीं, तो रात में लूटपाट करता था, घर से आने में चल रहा था। बारे हमको नहीं मालूम, पता नहीं रहा तो साथ में उसको जानते हैं। गोली लग गया। और उक्त संदर्भ में फिर घायल व्यक्ति को जो निकटवर्ती लोग थे इसको इलाज के लिए सराडेला में केंद्रीय अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस के जांच पड़ताल में उक्त व्यक्ति का नाम सहबाज उर्फ बबलू था, जो पता चला कि रात में लोकल लिट्टी मुर्गा का पार्टी था। और लिट्टी मुर्गा पार्टी के खाने के बाद ये लोग चाय पीने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी से, इसका गाड़ी नंबर GH10BJ3098 था, तो अपने मित्र अनिल यादव दोनों के साथ ये लोग चाय पीने के लिए बस निकल ही रहे थे। उसी में सहबाज के पास जैसा जांच पड़ताल में पता चला कि एक पिस्टल था, इसने जो लोडेड था उस पिस्टल को रखने के लिए या अपने सहयोगी को अनिल यादव को दे रहा था। उसी क्रम में हथियार से फायर हुई और जो उसके बैक सीट को फाड़ते हुए मृतक के बैक साइड में गोली लगा और बाद में इलाज के क्रम उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग इस बिंदु में जांच कर रहे हैं कि ये उक्त फायर जो है कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और ये हथियार कहाँ से आया और इसमें कोई अन्य बिंदु तो नहीं है। तो सभी पहलुओं को हम लोग बारीकता के साथ हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके आगे अगर कोई और दूसरा फैक्ट आएगा तो उसमें भी हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। पप्पू मंडल के साथ क्या है सर कनेक्शन है? जैसा जांच पड़ताल में अभी पता चल रहा है कि सब पहचान के तो है, पर अभी ये चीज नहीं कह सकता कि किसी किस्म संदिग्धता है या क्या है। तो इसके संदर्भ में आगे हम लोग फर्दर जांच पड़ताल के उपरांत ही हम लोग इसमें कह सकते हैं। पप्पू मंडल के साथ घर में फायरिंग भी हुई थी, तो क्या वो कनेक्शन है रंगदारी को लेकर जो कुछ बात आ रही थी इस मामला में तो नहीं है, पर उस केस को भी हम लोग देख बहुत बढ़िया से देख रहे हैं और हम लोग जल्द उस केस में भी हम लोग उसमें खुलासा करने वाले हैं। ये चूंकि जो अनिल कुमार यादव थे जब ये घटना घटी, ठीक है, अनिल कुमार यादव की घटना घटी, इसको पता इनको लगा कि गोली लग गया है, तो ये जाके थाना में सरेंडर कर गए, ठीक है। हाँ, ये हथियार भी लाए और सरेंडर कर गए और उसके बाद अभी चूंकि घटना घटी है और उसको हम लोग कि इसको अवैध हथियार और इसके संदर्भ में जो उचित कार्रवाई होगा इसको फर्दर हम लोग न्यायाधीश के साथ।